कर्तृत्वाने मनाने मोठे असलेले आपले आदरणीय श्री आपले या स्पर्धेचे आधारस्तंभ कैलास दादा म्हात्रे जे आई ग्रुप पनवेल रायगडचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या संकल्पनेने साकारलेली स्पर्धा. मॅच ऑन. पहिलाच बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न. बॉल चाललाय शॉर्ट थर्ड मॅन वडून डीप थर्ड मॅन कडे. बॉल थांबणार नाही आणि इथे मात्र पहिला चौकार या मॅचचा बॅट्समन कृष्णा पाटीलच्या बॅटमधून आला आणि टीमच्या धावसंख्येला इथे सुरुवात होत असताना टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्ड वरती 4 रन. इलेवन क्रिकेट संघ ओवे या गावाचा संघ हायलय मानाचा संघ हायलय मानाचा संघ हायलय मानाचा. मागच्या मॅच मध्ये कृष्णा पाटीलनं षटकारानं मात्र खाता खोललं परंतु या मॅच मध्ये चौकारानं आपला अकाउंट ओपन केलाय. आदरणीय श्री कैलास दादा म्हात्रे मोठ्या मनाचे आहेत. पैशाने खूप मोठे आहेत माणसं अनेक पाहिलेली आहेत परंतु मन मोठं असावं लागतं अशी माणसं आपल्या आयुष्यामध्ये कमी पाहायला मिळतात. यावेळेस पास स्विच इट करण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न फसला. व्हाईट यॉर्कर बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला आणि आणखीन एक डॉट बॉलची समाप्ती होते. इथे कमबॅक केलाय. बॉलिंग मार्कवरती आहे विवेक म्हात्रे. तुम्ही सामना पाहू शकाल अथर्व खाडेकर इलेवन कानपोली त्या विरोधामध्ये स्टार इलेवन ओवे या टीमनं टॉस इथे जिंकलाय. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यानं घेतलेला आहे. यावेळेस पास स्लॉटमध्ये होता. बॉल खूप चांगला फटका. प्रॉपर टायमिंग झालाय का परंतु काय एफर्ट लावलाय. ताल्यांचा गजर आणि इथे मात्र सेकंड अटेम्प्टला टिपला झेल कुणाल ठाकूरनं आणि बॅट्समन आउट. कुणाल पाटीलची मात्र विकेट इथे कृष्णा पाटीलची विकेट मात्र पटकावलेली आहे. पहिली विकेट गमावली कानपोली टीमनं आणि पहिला धक्का लागतोय. एक मोठा धक्का असेल या मॅच मध्ये तो म्हणजे कृष्णा पाटीलचा. एक गडी बाद टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्ड वरती 4. कुणाल ठाकूरनं काय झेल टिपलाय. शेवटपर्यंत बॉल वरती नजर ठेवली आणि आपल्या शरीराच्या जवळ आल्यानंतर मात्र बॉल वर उडी मारली. टायमिंग साधलं. कुणाल ठाकूरनं बेस्ट फिल्डर आहे स्टार ओवे टीमचा. पहिली विकेट गमावली तर नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये इन ॲट नंबर 3 मध्ये आला निखिल पाटील. धक्का क्रमांक 1. बॉलर तयार. विवेक म्हात्रेचा हा बॉल ऑन साईडला फक्त दिशा दिली. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. बॉल उचलणार फेकणार तोपर्यंत सिंगल आलेली आहे आणि या सिंगलच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवरती 5 रन. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये विवेक म्हात्रेचे आतापर्यंत 4 बॉल टाकून झालेले आहेत. 4 बॉलमध्ये रन खर्च केलेले आहेत 1-5 आणि 1 गडी मात्र त्यानं जी महत्वाची विकेट होती आपल्या टीमसाठी ती मिळवून दिली कृष्णा पाटीलजी. यावेळेस फुलॉर्लिनचा बॉल ऑन ट्राय इथे केलाय. डीपमध्ये ऑर्थोडॉक्स लॉंगलला क्षेत्ररक्षक आहे. फेक येणार इथे ॲक्युरेट फेक आली नाही. थ्रो उशीर आला तोपर्यंत 2 रन इथे कम्प्लीट करत असताना बॅट्समन निखिल पाटील जो तिसऱ्या क्रमांकावरती मैदानामध्ये दाखल झालाय. 2 या धावसंख्येनं मात्र आपलं अकाउंट ओपन केलेला आहे आणि 2 रनच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवरती तुम्ही पाहू शकाल 7 या आकड्यावरती. बॉलर तयार. शेवटचा बॉल. यावेळेस बॅकवर्ड जाऊन जागा बनवण्याचा प्रयत्न परंतु बॅटला हा बॉल ब्रश झालाय फ्लाय झालाय आणि इथे मात्र बॅकवर्ड गली आणि पॉइंटच्या दरम्यान तिथे झेल टिपलेला आहे बिलाल पटेलनं आणखीन विकेट गमावली. तर कैलास म्हात्रे यांना विनंती करतोय की आपण थोडं यायचं आहे. एक इन्व्हिटेशन कार्ड आहे. होप मिरर फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून आपल्याला निमंत्रण आहे. कारण हा होप मिरर फाउंडेशन एक अतिशय चांगला ग्रुप आहे ज्यांच्या माध्यमातून समाज उपयोगी आपण नेहमीच चांगलं कार्य पाहत असतो. तर त्यांच्या माध्यमातून कैलास दादा म्हात्रे यांना हा आमंत्रण आहे. त्यांच्या माध्यमातून 26 तारखेला ती फ्री स्पर्धा आहे. तर त्या स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपण बऱ्याच मीडिया देखील पाहणार आहोत कारण कार्य अतिशय चांगलं आहे. तर एका संस्थेने एका संस्थेला केलेलं हा आमंत्रण आहे. तर आई ग्रुपला नक्कीच ते आमंत्रण करतात. तर रमजान शेख यांचा इथे शुभ सन्मान आपण करतोय या व्यासपीठावरती कैलास म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते.
तर रमजान शेख आणि तुषार फोरजी देखील आहेत, परंतु तुषार फोरजी नक्की तुमचं देखील स्वागत आहे। तर बोलूया पुन्हा एकदा मॅचकडे। एक अतिशय रंगतदार सामना आपण पाहतोय मैदानामध्ये। यावेळेस पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील आणि अपील आणि अपीलचं उत्तर। बोट पंचांचं आकाशाकडे गेलं, खोलवर टप्प्याचा बॉल अगदी प्लम्ब मध्ये सापडला आणि पहिली विकेट या मॅच मध्ये नजीम पटेलने पटकावली। मागच्या मॅच मध्ये हॅट्रिक संपादन केली होती या बॉलरनं आणि या ओव्हर मध्ये पहिली विकेट। अगदी वेगवान बॉल होता, खोलवर टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला दिशा देण्याचं काम करत होता, परंतु अगदी पायावरती आदळला। स्ट्रॉंग अपील झाली आणि पंचांना मात्र बोट आकाशाकडे केलं। जे मुख्य पंचांच्या समेत आहेत रवी पाटील मॅन फ्रॉम रोहितगंजचे पंच आहेत, खूप चांगली पंचांची कामगिरी आणि त्याला साथ देण्यासाठी स्क्वेअर लेगला आमचे सुनील दादा पाटील मॅन फ्रॉम मोरबी। तिसरा गडी इथं कोसळलाय आदेशमध्ये। मागच्या मॅचमध्ये 37 रनची विस्फोटक खेळी करणारा मात्र फलंदाज बाद। तीन गडी बाद झालेले आहेत, टीमची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 7 रन। सातवा फलंदाज या स्पर्धेतला ठरलाय तो पायचीच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय। बॉलर तयार, यावेळेस पहा खूप चांगली बॉलिंग। पिचिंग झाल्यानंतर अगदी बाउन्सर घेत विकेट किपरच्या हातामध्ये गेलाय। भरपूर वेगानं मात्र बॉल रिलीज करतोय नजीम पटेल। यंदाच्या सीझनमध्ये इनॅक्शन आहे, खूप फॉर्ममध्ये हा खेळाडू। काल मित्रांनो देवांश ट्रॉफी चिंचपाड्याची स्पर्धा या टीमनं जिंकली। ट्रम्बे कोलीवाडा अगदी बलाढ्य संघाला मात्र त्या स्पर्धेमध्ये नमवलं, कॉन्फिडन्स वाढला। यावेळेस आणखीन एक बॉल डॉट जातोय, खूप चांगली बॉलिंग, बॅक ऑफ लेंथ होता बॉल, टप्पा मागे खेचला। पिचिंग झाल्यानंतर मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला, आणखीन एक डॉट बॉलची समाप्ती। खूप चांगली बॉलिंग आतापर्यंत पेश केली नजीम पटेलनं, तीन बॉल पिचिंग झाल्यानंतर एक विकेट प्राप्त केलेला आहे। यावेळेस पहा हेलिकॉप्टर समोरच्या दिशेने खेळलाय, लॉंग ऑनला डीप मध्ये शतरक्षक आहे, सॉफ्ट डिसमिसल। विवेक मात्रेनं टिपला झेल आणि आणखीन एक विकेटचं पतन। चौथा गडी इथं कोसळलाय टीम अथर्व खाडेकर 11 कानपोले टीमचा। चार गडी बाद टीमची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 7 रन। थँक्यू, खूप चांगली कामगिरी मी म्हणेन स्टार 11 ओवे 9191 टीमची। संदीप सर तुम्ही पहा किती प्रतिसाद आहे, भरपूर प्रेक्षक आहेत आणि प्रेक्षक मी म्हणत नाही तरी प्रशिक्षक आहेत, कोच आहे, कारण गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी गावाच्या अस्तित्वासाठी लढाई लढली जाते आणि त्यांचे समर्थक मात्र भरपूर संख्येने उपस्थित झालेले आहेत। नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये आहे संगम पाटील। यावेळेस खूप चांगली फिल्डिंग होते शॉट थर्डमॅनच्या रिजनमध्ये, रन मात्र मिळणार नाही। टीमची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती फक्त 7। षटक क्रमांक दुसरं पॉवर प्लेचं सुरू आहे। नजीम पटेलचं मी कौतुक करेन, काय बॉलिंग केली आहे सेकंड पॉवर प्लेमध्ये। मागच्या मॅचमध्ये हॅट्रिक घेणारा दुसरा बॉलर ठरला स्पर्धेमधला। शेवटचा बॉल, टीमची धावसंख्या फक्त 7 आणि इथे मात्र या बॉलरसाठी मित्रांनो टाल्या झाल्या पाहिजे। पहिलं मेडल षटक हाताला एक विकेट प्राप्त करत असताना नजीम पटेलनं।
सर स्टार ओवे टीम यानी कि 9191 टीम इस मैदान के अंदर अपना हुनर दिखाते हुए हमारे नवफिल पटेल और नवीद पटेल इनकी तरफ से इनाम आ चुका है नाजिम पटेल के लिए, नवफिल की तरफ से 1000 और नवीद की तरफ से 500। शुक्रिया नवीद, बिल्कुल आज एनर्जी ड्रिंक्स का भी इंतजाम उन्होंने किया था सुबह में, तो नवीद से गुजारिश है कि आइए स्टेज के ऊपर, स्वागत है आपका भी। पप्पू पप्पू भी यहाँ पर आए हैं, सरफराज जखरिया पटेल, क्या बात है। तो देखिए हमारे स्टेज के ऊपर मोहम्मद शेठ, शब्बीर, गजानन शेठ मात्रे क्या एंजॉय कर रहे हैं, और ये सुबह से एंजॉय हो रहा है आपका, यही तो पहचान है स्टार ओवे टीम की। तो खूबसूरती के साथ चलता हूँ मुकाबला लाइव के माध्यम से, मंसूर शेठ पटेल, सलीम शेठ पटेल जरूर देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कैलाश शेठ मात्रे और गुरुशेठ मात्रे, इनका शानदार मंजर है और काफ़ी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए स्टार ओवे टीम की तरफ से भी। तो देखना है यहाँ से मेडन ओवर इस मैदान के अंदर नाजिम पटेल द्वारा नजर आया। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, लाजवाब टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ती हुई, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से तो सिर्फ पटेल आए हैं गेंदबाजी के तौर पे। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें तो 8-7 रन है। संगम पाटिल, हमारे जहीर पटेल के चेहरे के ऊपर मासूम सी मुस्कान। इस पीछे गेंद जरूर यहां से वाइड एयर कर फेंकने की कोशिश, बिल्कुल यहां से गेंद को जाने दिया, ऐसे में देखा जाए तो एक डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद का समापन नजर आया। बैक टू बैक दो गेंदे डॉट निकलते भी, तो जरूर इस मंच के ऊपर हमारे अतिथि मेहमान तशरीफ लाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। क्या बात है, इस मंच के ऊपर जिनका आगमन हो चुका है, सम्माननीय रविशठ मात्रे देसाई, इनका इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, स्वागत है रविशठ मात्रे आपका इस मंच के ऊपर। आई चषक में आपका तह दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप आए बाहर आए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो रविशठ मात्रे इनका इस मंच के ऊपर हम स्वागत करते हैं। 9 गेंदों के बाद सिर्फ 1 रन आई है, ये है हमारे गुलशन पाटिल की स्कोरिंग। जिस कानपुली टीम ने जो अंदाज सुबह पहले मैच में दिखाया था वो अंदाज कहा गया। गेंद उठाने की कोशिश, देखना है कवर क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन सोहेल पटेल से बहुत दूर गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। चार रन मिले 4 रनों के साथ, स्कोर देखा जाए तो 12 रन। चेतन पाटिल यहां पर खेल रहे हैं, सुधीर पाटिल, आदेश मते, कृष्णा, इनके बाद देखा जाए तो जिस बल्लेबाज के हाथों में कमान सौंपी जाती है कानपोली टीम द्वारा, वो बल्लेबाज यहां पर चेतन पाटिल खेल रहे हैं। कानपोली के सीनियर क्रिकेटर गणेश पाटिल भी इस मंच के ऊपर है। गणेश पाटिल स्वागत है आपका भी। फुल टॉस भी उठाने की कोशिश बिल्कुल की थी, मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए गेंद, अच्छी फील्डिंग, कुणाल वहां पर, बिल्कुल कुणाल ठाकुर, क्योंकि पूरी तरह से चेहरे को ढक दिया उन्होंने रुमाल से, इसलिए पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन उनकी जब दौड़ने की वो आदत है वो नहीं छुपती, तो उस आदत की वजह से हमने उन्हें पहचान लिया है कि वो कुणाल ठाकुर ही है। और पूरी तरह से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश यहाँ पर की थी, लेकिन आउटसाइड टू ऑप्शन थी, बिल्कुल वाइड करा सुनील पाटिल सर यहाँ पर जीते हुए, और ऐसे में देखा जाए तो 1 रनों की बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल 1 से यहाँ पर आगे आता हुआ 15 रनों के ऊपर। हमारे इम्बा पटेल भी पूरी तरह से जज्बे के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, और यहां से क्या बात है, बढ़िया कैच, देखिए किस तरह से कैच लिया, शानदार सुपर कैच।
तो देखिए यहां से महज तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तीन ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद अथर्व एंड खाडेकर 11 कानपुली टीम पहुंच चुकी है 15 रनों के ऊपर। आरम पटेल की तरफ से तौसिफ के लिए 1000 का इनाम। आरम है कि आरो आरप्पा, वो छोटे छोटे बच्चों को संभाल रहा है यहां पर, क्या बात है, काफी बेहतर इन, क्योंकि वही जज्बे के साथ मेरे हिसाब से वोवा टीम आज यहां पर उतरी है। कल देवांश चिंसपाड़ा टीम की तरफ से जो आयोजन किया था देवांश ट्रॉफी का, चिंसपाड़ा के मैदान के ऊपर वो ट्रॉफी वो जीत कर आए हैं, तो जरूर इसके बाद मुकाबला होगा सिद्धि करवले यानी कि शिव युवा प्रतिष्ठान सिद्धि करवले बनाम देवांश 11 चिंसपाड़ा के बीच में अगली भिड़त होगी। तौसिफ के लिए नूरा पटेल की तरफ से 500 का इनाम यहां पर आ चुका है। इनामों की बरसात, तो बिल्कुल यहां से तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन है 15, 5 के रन रेट के एवरेज के हिसाब से यहां पर चल रहे हैं। तो फिर से एक बार मैडन और जिन्होंने यहां पर फेंका है वही गेंदबाज नाजिम यहां पर आते हुए, पिछली मैच में हैट्रिक उन्होंने प्राप्त की थी। तो परफ्यूम शॉप यानी कि सुफियान सैयद इनकी तरफ से एक खुशबूदार परफ्यूम उन्हें दिया गया था हैट्रिक के लिए। तो बिल्कुल यहां से नाजिम फिर से एक बार इनको छोड़ दिया, बिल्कुल यहां से आउटसाइड टू ऑप्शन अतिरिक्त विघ्नेश भावेश 11 सिद्धि करवले और देवांश 11 चिंसपाड़ा, अर्जुन परदेसी, रोहन, राकेश, विजय कोई भी हो यदि आए हैं तो आइए स्टेज के ऊपर, अगली भिड़त आपकी होगी। इसके बाद इनिंग के बाद जरूर आपको टॉस के लिए प्रस्थान करना होगा, तो सिद्धि करवले टीम के कप्तान से भी अनुरोध है कि आइए, आपका भी स्वागत है। उठाने की कोशिश गेंद हवा में और निकेश मात्र यहां पर बिल्कुल गलती नहीं दोहराते हुए और विकेट का हुआ पतन, नाजिम को नाजिस को मिली है सफलता। क्या बात है, देखिए ये होती है डीजे ऑपरेटर की चाला। आप देखिए रवि मात्रे साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, वो बैठे मैच का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे डीजे ऑपरेटर सूरज जिन्होंने तुरंत रवि मात्रे साहब के ऊपर गाना जो बना है वो यहाँ पर बजाया है। तो ये टाइमिंग होना चाहिए जो टाइमिंग हमारे सैंडी डीजे में है। सुधीर पाटिल आए हैं, टीम के कप्तान हैं, थोड़ी सी टीम मुश्किल में जरूर है, तो इस मुश्किल से निकालना है तो आप सुधीर पाटिल जो गेंदबाजी में गणेश पाटिल ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें बल्लेबाजी की कमान संभालनी होगी। इस मैच को यदि अच्छे सुस्थिति में लेके जाना है टीम अथर्व एन खाडेकर वल्लभ खाडेकर कानपोली टीम को, तो निश्चित रूप में अब यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनानी होगी। हमारे अथर्व एन खाडेकर कानपोली टीम के पुरस्कर्ते प्रकाश जी खाडेकर वल्लभ और भोलानाथ शेठ पाटिल यदि आए हैं तो आइए इस मंच के ऊपर, यदि लाइव देख रहे हैं तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये देखिए तो गेंद में उछाल था, देखना यहां से रन मिला है लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कहां पे आगे निकले थे दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन का यहां पर कोई मौका नहीं है। 22 का इशारा आता हुआ रवि पाटिल द्वारा, मंच के ऊपर देख रहे हम एक सीनियर क्रिकेटर हमारे अच्छे दोस्त हैं और जिन्होंने एक काल अपने नाम किया है प्रमोद पाटिल, सानपाड़ा के एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता था, बिल्कुल
आज 40 प्लस में अच्छे गेंदबाजी के तौर पे हम उन्हें देखते हैं। गुरु महात्रे इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर से एक बार नाचीज नाजीज की ये गेंद अजिम पटेल जिनका नाम है नाम से काफ़ी प्रख्यात है वो, लेकिन नाजिम इस समय अच्छा प्रयास करते हुए बल्लेबाज बाएं हाथ के खिलाड़ी सुधीर पाटिल देखिए कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास बिल्कुल सक्षम रहा, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई चार रनों के लिए। तो चार रन मिले और इन चार रनों के साथ स्कोर आ चुका है 22 रनों के ऊपर। कल ऐसे ही फाइनल का मुकाबला मेरे हिसाब से जहीर पटेल खेली थी ओवा टीम ट्रॉम्बे के खिलाफ, क्योंकि उस मैच में विवेक म्हात्रे ने मेडन और फेंका था और सोपान भोईर का भी उस टूर्नामेंट में मेडन और रहा था। तो देखना यहां से महज चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चार ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 22 रन। तो नाजिम के दो ओवर का विश्लेषण यहां पर हमें बताते हुए गुलशन पाटिल कि नाजिम ने दो ओवर फेंके, दो ओवर में 7 रन दिए और 3 सफलताएं प्राप्त की, उसमें एक मेडन ओवर है। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहां पर की है नाजिम पटेल ने। 4 ओवर के बाद स्कोर है 22 रन। अंतिम ओवर का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है सोपान भोईर का, कप्तान तौसिफ पटेल की एक अच्छी यहां पर सोच। लेकिन दूसरी तरफ जिस टीम ने इस सीजन में MIDC विभाग में काफ़ी तहलका मचा है, अच्छे फॉर्म में इस सीजन में चल रही है MIDC विभाग में कानपुली टीम, उस कानपुली टीम थोड़ी सी मुश्किल में इस मैदान के ऊपर जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी अंतिम ओवर बची हुई है क्योंकि मैच का यहां पर रुख बदलने के लिए एक ओवर काफ़ी होता है, क्रिकेट का दस्तूर है। तो बिल्कुल यहां से पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में फेंकी है सोपान भोईर ने। फिर से एक बार इस समय यहां से आउटसाइड टू ऑफ स्टंप वाइट करार, अतिरिक्त रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से यहां पर आगे आता हुआ 24 रन 24 रन। हमारे पप्पू पटेल वो भी यहां पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो अगली भिड़त होगी छिद्दी करवले बनाम देवान चिंचपाड़ा। हमारे अरुण पाटिल मुरबी के, अरुण पाटिल आइए मंच के ऊपर। मंगेश पाटिल स्वागत है आपका भी। पहले बात विराज पाटिल ये पहले आगे निकले, बाद में यहां पर निश्चित रूप में जिस तरह से निश्चित रूप में जहां पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंदबाज भी उतने शातिर, आपसे दूर गेंद को यहां पर फेंक रहा है क्योंकि वो आपके इरादे को जान रहा है। अर्शाल 11 टीम के स्पॉन्सर नरेश पाटिल अर्शाल टीम के पुरस्कर्ते, जिनकी टीम सुपर फोर में पहुंची है, चंद्रकांत म्हात्रे, मिथुन पाटिल, अरुण पाटिल और खारगर के हमारे उमेश पाटिल, उनका भी स्वागत है। तो जरूर यहां पर सोपान भोईर एक सक्षमता पूर्वक बाजी कर रहे हैं देखा जाए तो। अब तक 3 गेंदे उन्होंने डिलीवर किए हैं और सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, 2 वाइड उसमें जरूर नजर आ रहे हैं। हमारे ओवा के शब्बीर शेठ पटेल, हसन मियां खमसे, मोहम्मद शेठ पटेल, रऊफ पटेल, बहुत से यहां पर मान्यवर
इस मैच का मजा ले रहे हैं हमारे गजानिशित मात्रे और हमारे शेठ यानी कि जो पूर्व क्रिकेट कैप्टन शकील शेठ, आपका भी स्वागत है। उठाने की कोशिश, क्या बढ़िया यहाँ पर निकेश मात्रे यहाँ पर कीपिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं। निसर्षित पटेल भी यहाँ पर आए हैं तो उनका भी स्वागत है। इकबाल पटेल, सोपान मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद और ये आउट। सुधीर पाटिल यहाँ पर निकल गए और ऐसे में देखा जाए तो एक और विकेट का हुआ पतन। नवीन पटेल काफी खुश है, काफी खातिरदारी आप करते हैं हमारी, यही तो आपकी पहचान है। लेकिन नौपिल थोड़े से दूर हैं आजकल, नौपिल पटेल, लेकिन यस यस क्या बात है, नौपिल भी है, यही तो हौसला बढ़ा रहे आप टीम का। सलमान पटेल भी यहां पर है लेकिन जहीर खान किधर है वो पता नहीं। तो हमारे रशीद चांदनी साहब यदि है तो चांदनी साहब आइए, कैलाशत मात्रे और गुरुशत मात्रे आपको याद कर रहे हैं। तो स्कोर है 24-24। सोपान भुईर फिर से एक बार तैयार मारने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा यहां से केंचारी ऑन साइड। कुणाल ठाकुर गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग और ये देखिए रवि पाटिल अंपायर बिल्कुल थर्ड अंपायर की तरफ पहुंचे हैं, तो देखना है। चौधरी साहब आइए, आपका काम यहां पर लग चुका है। तो इस वक्त तो 5 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है, क्योंकि डिसीजन पेंडिंग है इस गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। 1 रन तो पूरा किया है, 1 रन तो यहां पर पूरा हुआ है, स्कोर 25 तो हुआ है। अब ये रन है या नहीं ये तो हम इस डिसीजन के बाद बताएंगे। हमारे रविशत मात्रे इस मैच को अपनी उपस्थिति दिखाते हुए, हमारे पप्पू पटेल तो नोट आउट है बिल्कुल, तो ये 1 रन बढ़ेगी कानपुली के लिए और इसे 1 रनों के साथ स्कोर है 26-26। तर सिद्धि करवले आणि देवान चिंचपाडा टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉससाठी लगेच टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। सिद्धि करवले आणि देवान चिंचपाडा या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की टॉससाठी यायचं। अर्जुन परदेशी चला आणि करवले संघाचा संघ नाही, आमचे फडके मामा अंकुश बागेत विजय पाटील यांचं इथे आगमन होतोय। तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय रविशेठ म्हात्रे यांना, तर देवान चिंचपाडा संघाचे संघ नाही आणि सिद्धी करवले टीमचे कॅप्टन। चला चिंचपाडा संघाचा संघ नाही यायचा आपण, 27 धावांची गरज आहे ती स्टार ओवे संघाला। तर तत्पूर्वी मी रवी शेट मात्र यांचा पण चिंचपाडा संघाचा संघनायक अर्जुन टॉससाठी आपण लगेच पाठवायचं आहे, आमचे पाहुणे इथे थांबलेत। तर सिद्धी करवले टीमचे कॅप्टन देखील आपण यायचं आहे लगेच,
टॉस बॉक्स मध्ये तर अर्जुन इथे येतोय. मी टॉस उडवण्यासाठी विनंती करतोय आमच्या सन्माननीय पाहुणे थोर समाजसेवक आणि कल्याण डोंबिवली विभागामध्ये एक नामवंत व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते सन्माननीय रविशेठ म्हात्रे साहेबांच्या शुभास्ते इथे टॉस केला जाईल. तसेच आमचे उमेश पाटील देखील इथे आलेत खरगडचे, त्यांचं देखील स्वागत आहे. तर टॉससाठी मी रविशेठ म्हात्रे साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते टॉस करायचा आहे. सिद्धी करवले विपक्ष देवान चिंचपाडा. तर देवान चिंचपाडा टीमचे पुरस्कर्ते सन्माननीय शशिकांत भुईर जर इथे आले असतील तर मी भुईर साहेबांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सन्माननीय शशिकांत भुईर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चे प्रोप्रायटर. तर टॉस इथे झालाय तर सत्कार सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत या व्यासपीठावरती ज्यांनी उपस्थिती दाखवली आहे. रविशेठ म्हात्रे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय. देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव. तर रविशेठ म्हात्रे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला गेलाय. धन्यवाद साहेब, तुम्ही आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आपले. क्या बात है, क्या बात है. क्लासिकल स्ट्रोक यहां पर निकेश म्हात्रे ब्रांडेड चार रन. निकेश म्हात्रे उठाने की कोशिश बिल्कुल की थी करण पहली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ है. आप जब कम स्कोर वाला मुकाबला खेलते हैं तो आपको उस मैच को पकड़ के रखना होता है, ना कि इजीली ऐसे छोड़ना है. क्योंकि ऐसे बहुत से मुकाबले हमने देखे कम स्कोर वाले हैं, वो फाइटिंग बने. फाइटिंग उस वक्त बनते हैं जबकि आपकी उस दौरान फील्डिंग अच्छी हो, गेंदबाजी अच्छी हो, तो जाकर वो मुकाबले बनते. अब देखिए यहां पर एक के ऊपर ऐसे कैचेस छूटते जा रहे हैं और पिछले पन्नों को यदि यहां पर खोला जाए तो यही आई चषक में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पाने वाले निकेश म्हात्रे जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में अपने नाम 2019 में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर टू व्हीलर बाइक प्राप्त की थी. तो डेरेवली के हमारे सूरज इनका आगमन उनके साथ बिल्कुल आई ग्रुप के कई मेंबर्स यहां पर आते हुए. तो 11 रन पहले ओवर के बाद. तो ओवा टीम पूरी तरह से इस मैच के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है. जो जीतने के लिए 27 रनों की दरकरार थी, जो पहले ओवर में रन आए हैं तकरीबन 11, अब जीतने के लिए 16 रन चाहिए. तो नोबेल पटेल की तरफ से यहां पर 200 का इनाम आया है कॉमेंट्री बॉक्स के लिए. शुक्रिया नोबेल पटेल, धन्यवाद. तो बिल्कुल हमारे डेरिवली के सूरज और नितिन तांडेल और तुषार पाटिल इनका आगमन हो चुका है. कलेशत म्हात्रे आई ग्रुप के कई सहकार यहां पर आते हुए. ये देखिए यहां से बिल्कुल पॉइंट कवर को चीरती हुई गेंद गेंद जा रही सीमा रेखा बाहर. निकेश म्हात्रे के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका. ये तीसरा चौका आया है. स्कोर 4 से यहां पर बढ़ता हुआ 15 रनों के ऊपर. अब जीतने के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए. जो पहले मैच में किरवली टीम के खिलाफ जो खेल किया था कानपोली टीम ने वो इस मैच में मेरे हिसाब से नहीं हुआ. ये देखिए यहां से
कि इनको नीचे रखा था सुधीर पाटिल ने, लेकिन उतना ही बढ़िया ऑन ड्राइव करने की कोशिश की थी निकेश मात्रे ने। महज मिली सिंगल एक रन या दो रन, और इन दो रनों के साथ स्कोर 2 से यहां पर आके आता हुआ 17 रनों के ऊपर, 17 रन। सुधीर पाटिल टाटा एंड की तरफ से लेफ्ट आर्म और द विकेट, पहले से यहां पर रूम बनाने की कोशिश की थी विकेटों के पीछे, यहां पर गेंद को रोका गया। महज मिली सिंगल एक रन, और इस सिंगल के साथ स्कोर देखा जाए तो 18 रन देखने। अगली भिड़ंत देवान छिंजपाड़ा बनाम बिल्कुल करौले के बीच में एक अच्छी भिड़त होगी। नवीन, और ये देखिए उठाने की कोशिश, अकिप पटेल ने इस गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र में, 4 रन। तो नवीन पटेल की तरफ से ₹500 का इनाम हमारे लिए, धन्यवाद नवीन। तो बिल्कुल ये तो खासियत है इन नवपिल और नवीन जो भाई हैं, और काफी प्यार बयान करते हैं जहीर पटेल। जहीर पटेल जैसा कोच हो इस टीम के लिए तो ये टीम तरक्की के ऊपर जरूर बढ़ सकती है। तो यहां से देखा जाए तो मिले सिंगल एक रन, नो बॉल यहां पर चेक करना है बिल्कुल बीमर के लिए, यहां पर अंपायर ने इशारा किया है। एक रन तो पूरा हो चुका है, अब संतोष चौधरी यहां पर हमें देख रहे हैं। 30 रन शानदार यहां पर आयोजन हम देख रहे हैं। तो नहीं है, दो बॉल नहीं है, बिल्कुल अच्छी गेंद, तो 4 रनों की जरूरत है। ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, तो 18 गेंदे अब 4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे 4 रन चाहिए जीत के लिए। आसान सा मुकाबला यहां पर हम देख रहे हैं, एक तरफा मुकाबला जा रहा है, क्योंकि ये मुकाबला इस तरह एक तरफा जा रहा है कि ओवे टीम की गेंदबाजी सटीक वे कृष्णा की तरफ गेंद जा रही है, और इसी के साथ मुकाबला पूरा होता हुआ। जीत चुकी है स्टार ओवे टीम, जीत के हार्दिक बधाई। 2 मुकाबले यहां पर ओवे टीम ने इस अपने होम ग्राउंड के ऊपर जीते हैं, तो जीत के हार्दिक बधाई। और इस श्रृंखला में अच्छा खेल किया बिल्कुल कानपोली टीम ने, तो कानपोली टीम का अथर्व एंड खाड़ेकर व कानपोली टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ेंगे, इनाम की तरफ बढ़ेंगे, तो नाजिम पटेल।